बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार बीफ टिक्का बोटी लेकर आई हूँ। ना बारबेक्यू है, ना तंदूर है, सादी सी रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार। यहाँ मैंने बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है, बीफ है ये, आधा किलो बीफ लिया है मैंने। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। इसको इस तरह क्यूब की सूरत में कटवा लेना है, रूखा गोश्त जाएगा इसके अंदर। बीफ या मटन कुछ भी यूज़ करें। यहाँ प्याज ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, एक अदद इसको बारीक काट लिया है। कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। एक बड़ा सा लेमन लिया था, उसका जूस निकाल रहा तो 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस है, इसको खाते वक्त डालिएगा। हरा धनिया है 1/2 कप, तकरीबन 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। हरी मिर्चें हैं 8 अदद, इसको इस तरह से काट लीजिएगा। जुलीन कटी अदरक है इस तरह से, ये 1 टेबल स्पून है। एक पतीली में आपने गोश्त डाल देना है, कुटी लाल मिर्च डाल दें, नमक डाल दें, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए, हल्दी, प्याज और 1 कप इसमें पानी डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। इसको इतना कुक होने देना है कि गोश्त गल जाए। बस 1 कप पानी के साथ इसको ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। इसका पानी भी ड्राई हो जाए और साथ ही साथ बोटियां भी सॉफ्ट हो जाएं। अगर पानी ना ड्राई हो तो तेज़ आंच का पानी ड्राई कर लेगा, लेकिन गोश्त गल जाए। इसको इतना कुक करना है। ये देखें 20 से 25 मिनट में मेरा गोश्त तो अच्छा खासा ये गल चुका है और ये सब कुछ ड्राई भी हो चुका है, पानी भी ड्राई हो गया, सारे मसाले भी मिक्स हो चुके हैं। बहुत टूटे नहीं बोटियाँ, इतना गलाना है बस। एक पैन में आपने ऑयल या घी 2 टेबल स्पून लेना है। फिर जब गर्म हो जाए ऑयल तो आपने उसमें बोटियाँ डाल देना है गली हुई। इसको 4 से 5 मिनट तक आपने इस तरह फ्राई करते रहें ताकि इसकी जो है वो बादामी सी शक्ल आ जाए, अच्छा से गोल्डन कलर हो जाए बोटियों का। 4 से 5 मिनट पे इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड करें, हरी मिर्चें डाल के भी 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करें ताकि इसका फ्लेवर भी आपस में मिक्स हो जाए। झटपट तैयार होने वाली डिश है, पराठों के साथ भी खाएं, नान के साथ खाएं। आखिर में मैं नान की रेसिपी आपको दे दूंगी तो आप नान के साथ खाएं, वरना विदाउट चटनी, विदाउट नान, विदाउट पराठा ऐसे भी खा सकते हैं, बड़ी मज़ेदार है। अब हरा धनिया और अदरक डाल के भी इसको 1 मिनट तक फ्राई करें। बस अब ये डिश तैयार है। देखें कितनी जल्दी ये तैयार होती है, उतनी ही ये मज़ेदार है। पराठे प्योर के साथ तो और ही मज़ा दुबाला हो जाएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।